भारत सरकार के रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि भारत में इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट में भारत की मैन्युफैक्चरिंग बढ़ी है, जिसकी वजह से भारत में एक्सपोर्ट का व्यापार बढ़ा है। उन्होंने कहा कि भारत में मोबाइल फोन की मैन्युफैक्चरिंग होगी और भारत जनवरी 2024 में 4 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाएगा। पहले हम लोग केवल एक्सपोर्ट करते थे, अब मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, हम लोग मेक इन इंडिया के माध्यम से एक्सपोर्ट कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में देश तरक्की कर रहा है क्योंकि हमारे लोग मेहनती हैं। क्या मैं आए सबके सब आप आए छोटे से निमंत्रण पर शॉर्ट नोटिस पे आए, पहले तो इसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। आप हमेशा हमारे छोटे से आमंत्रण पर आप उसका सम्मान करते हैं, इसके लिए मैं आप सबका आई एम वेरी ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू दैट ऑन द वेरी शॉर्ट नोटिस ऑल ऑफ यू कम इन ज्वाइन दिस प्रेस कॉन्फ्रेंस। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का बहुत बड़ा एक पर्पज था, देश की इकोनॉमी में देर इज अ मेजर इंफ्लेक्शन पॉइंट देखा जाता है, देश की इकोनॉमी में एक मेजर टर्न आया है, वो आपके साथ शेयर करना जरूरी है। आप सबने देखा एक लंबे टाइम तक देश में मैन्युफैक्चरिंग को एक इम्पोर्टेंस देनी है करके बोलते थे, लेकिन वो इम्पोर्टेंस कभी तक मिली। देश की मैन्युफैक्चरिंग में करीब करीब आजादी के 40-50% तक, आजादी के बाद में 40-50% तक मैन्युफैक्चरिंग कंसिस्टेंटली या तो डाउन हुई या तकलीफों में आई। एक तरीके से बहुत ही जो हमारा एस्पिरेशन था, हमारा जो पोटेंशियल था, उस पोटेंशियल को हम कभी पूरा नहीं करते। आप देखेंगे जब मेक इन इंडिया पीएम साहब ने लॉन्च किया, जब मोदी जी ने पीएम साहब ने जब मेक इन इंडिया लॉन्च किया, वो एक बहुत बड़ा बोल्ड स्टेप था, एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है, थिंकिंग में चेंज लाने का। अब भी हमारे विपक्ष के लोग इसको बहुत ही बार बार क्रिटिसाइज करते थे। अगर आप कांग्रेस का उस समय का मैनिफेस्टो उठाए, उसमें भी लिखा होता था कि मेक इन इंडिया करना चाहिए, लेकिन जब मेक इन इंडिया पीएम साहब ने लॉन्च किया तब उन्होंने इसका क्रिटिसिजम किया। यानी जो 50-60% कांग्रेस की पॉलिसी होती थी वो उसी में परिलक्षित होती रही, वो उसी में रिफ्लेक्ट होती रही थी, मेक इन इंडिया का भी विरोध। मैं आपके साथ आज बैठा हूं ये क्लियरली आपके साथ डेटा और फैक्ट के साथ बताने के लिए कि हम उस परिस्थितियों में पहुंच गए हैं जब हम बहुत जल्दी $1 ट्रिलियन एक्सपोर्ट के लिए तैयार, और उसके पीछे फाउंडेशन है मैन्युफैक्चरिंग, मेक इन इंडिया की सक्सेस, डिजाइन इन इंडिया की सक्सेस, इनोवेटिंग इंडिया की सक्सेस, और सीरीज ऑफ प्रोग्राम्स जो उसके बाद में लाए गए, सीरीज ऑफ सिंप्लीफिकेशन जो किए गए, एक तरीके से ये उसका पूरा रिफ्लेक्शन है। अगर हम डेटा देखें तो आज एक्सपोर्ट्स हमारे $762 बिलियन पहुंच गए, $760 बिलियन पे हम लोग एक्सपोर्ट किए। इस एक्सपोर्ट्स की भी अब हमें डाइवर्सिटी समझने की जरूरत है। सबसे पहला पॉइंट, आज गुड्स का एक्सपोर्ट, मर्चेंडाइज प्रोडक्ट जो हम बनाते हैं, उन चीजों का एक्सपोर्ट सबसे पहले हमें देखना चाहिए। लंबे टाइम तक एक्सपोर्ट्स में सर्विसेज की हमेशा ज्यादा संचय रहती, लंबे टाइम। अब आप देखो गुड्स का एक्सपोर्ट ज्यादा होने लगा है, $453 बिलियन है गुड्स का एक्सपोर्ट, सर्विसेज का एक्सपोर्ट है $309 बिलियन। आप देख रहे हो मैं किस इंफ्लेक्शन पॉइंट की बात कर रहा हूं, ये बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट, बहुत बड़ा एक चेंज आ रहा है, बहुत बड़ा एक इंफ्लेक्शन पॉइंट है जिसमें देश की इकोनॉमी एक तरीके से चेंज हो रही है, उसका एक रिफ्लेक्शन। उसका साधारण मानवीय से क्या असर पड़ता है, उसका ह्यूमन एंगल क्या है, वो मैं अभी बताऊंगा। मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट से यानी गुड्स के एक्सपोर्ट से यानी मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड एक्सपोर्ट से इसका असर साधारण से साधारण मानवीय पे
बहुत बड़ा एक्सपोर्ट, बहुत बड़ा उसका असर पड़ता है, हर नागरिक पे असर पड़ता है। अगर हम कई देशों का उनकी इकोनॉमी को स्टडी करें, जैसे जापान की इकोनॉमी को स्टडी करें, साउथ कोरिया की इकोनॉमी को स्टडी करें, इन सब में अपने इकोनॉमिक जर्नी में जब ग्रोथ वाला जो पाथ था, ग्रोथ वाला जो पीरियड था, जिस पीरियड में वो लो इनकम से मिडिल इनकम, मिडिल इनकम से हाई इनकम की तरफ बढ़ रहे, उसमें मैक्सिमम उन्होंने ध्यान दिया मैन्युफैक्चरिंग। अगर हम इन देशों से पहले जो हाई इनकम में आए, जैसे यूएस, जैसे जर्मनी, जैसे फ्रांस, जैसे यूके, इन देशों के उस जमाने के यानी 1800 के आसपास के, अर्ली 1900 के पीरियड को देखें, स्टडी कर, उसमें भी आप देखेंगे कि इन देशों ने लो इनकम से मिडिल इनकम और हाई इनकम में आने के लिए बहुत बड़ा फोकस किया मैन्युफैक्चरिंग। अगर हम अपने पड़ोसी देश चाइना को भी देखें, वहां पर भी उन्होंने बहुत बड़ा फोकस किया मैन्युफैक्चरिंग। यानी हमारे समग्र जितनी इकोनॉमीज है, हमारे बराबर की साइज के जितने देश हैं, हमारे इस ग्रोथ के पास में जितने देश गुजर चुके, उन सब ने अपने देश में, अपनी इकोनॉमी में, अपनी अर्थव्यवस्था में मैन्युफैक्चरिंग को बहुत बड़ा एक स्थान दिया। यही मोदी जी ने 2014 में आते ही सबसे पहला जो बड़ा इकोनॉमिक प्रोग्राम लॉन्च किया था, जो बहुत बड़ी इकोनॉमिक फिलॉसफी लॉन्च की थी, जो इकोनॉमिक थॉट लॉन्च की थी, उसमें मेक इन इंडिया का बहुत बड़ा। तो मैं इसीलिए आपके साथ आज बैठा हूँ कि आपको बताऊं मेक इन इंडिया की सक्सेस के कारण किस तरह से आज एक्सपोर्ट्स में मर्चेंडाइज का यानी गुड्स का कंपोनेंट एक सिग्निफिकेंट मात्रा में बढ़ गया है, और जिस तेजी से अभी ग्रोथ हो रही है उसका अगर उदाहरण दें, और जो डाइवर्सिफिकेशन हुआ है उसका अगर हम उदाहरण दें, तो आपको लगेगा कि किस तरह से साधारण मानवी के जीवन में बड़ा फर्क है। इससे मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड ग्रोथ से क्या होता है, सबसे बड़ा फर्क कि हमारे जो ग्रामीण क्षेत्रों में जब लोग इकोनॉमी के एक लेवल से ऊपर बढ़ते हैं, मिडिल इनकम, लो इनकम से मिडिल इनकम की तरफ जाते हैं, तो लोगों की इच्छा होती है कि अच्छी फैक्ट्री में काम करें, खेत में काम सरप्लस अगर हो जाता है, खेत में अगर लेबर सरप्लस हो जाता है, उस लेबर को एब्जॉर्ब करने के लिए मैन्युफैक्चरिंग चाहिए। और यही इसके पीछे पूरी थॉट प्रोसेस थी कि मैन्युफैक्चरिंग में बहुत बड़ा रोजगार करें। आज अगर हम फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट यानी प्रोविडेंट फंड में जो रजिस्ट्रेशन होते हैं उस डेटा को देखा, जापान की टीडी के फैक्ट्री यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग सेटअप करेगी, तो क्या इंडिया में वो टेक्नोलॉजी भी शेयर होगी, और क्या कुछ इंडियन एंटरप्रेन्योर या बिजनेसमैन इस फील्ड में भी आएंगे कि वो बैटरीज भी यहीं पर ही बनाए इंडिया के अंदर? आपने एक एग्जाम्पल दिया, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा, और ये बहुत गहरा प्रश्न है, ये समझने वाला प्रश्न है, हम सबको ये समझने में भी काम में आएगा। जब वो रेलवे में एक बड़ा प्रोजेक्ट आया मधेपुरा पर, उसमें इंजन बनने चाहिए, राइट, देश में बहुत मॉडर्न टेक्नोलॉजी के इंजन बनने चाहिए, तो आज भी अगर आप जाओ उस इंजन के अंदर 12,000 हॉर्स पावर के, तो उसको ऐसा लगता है जैसे किसी कंप्यूटर सेंटर, डेटा सेंटर बन रहे, आपको लगेगा नहीं कि आप किसी रेलवे के इंजन के अंदर हो, कंप्यूटर का डेटा सेंटर जैसा लगता है। जब उसका काम चालू हुआ तब ये प्रश्न उठते थे कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर वगैरह वगैरह होगा या नहीं। आज मैं आपको बताते हुए मुझे इतनी सेटिस्फेक्शन होती है, अभी मैं काफी टाइम मध्य प्रदेश में काम कर रहा था, भोपाल का एक मैन्युफैक्चरर जो सप्लाई चेन में जुड़ा, वो आज बड़ा एक्सपोर्टर बन गया है कंपोनेंट्स, जो लोकोमोटिव के इंजन की सप्लाई चेन में जुड़ा, वो आज एक बहुत बड़ा एक्सपोर्टर बन गया है
और इस गर्व के साथ वो कहता है कि पहले हम लोग सोचते थे क्वालिटी क्या है, समझ में नहीं आती थी क्या चीज होती है क्वालिटी, कंसिस्टेंसी, सिक्स सिग्मा क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग की क्वालिटी क्या होती है, मेटलर्जी में क्या ध्यान देना होता है। आज दे आर कम्पीटिंग अगेंस्ट बेस्ट ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड,